वेलकम बैक एडिटर्स, आ चुका हूँ नए मंथ के शुरुआत में एकदम कड़क और जबरदस्त स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर। दोस्तों आज खड़े में हम रश्मिका मंदाना के इमेजेस पर, मैं तेरा आशिक इस वाले गाने के बीट सिंह पर सेकिपेक लगाकर एकदम कड़क स्टेटस वीडियो क्रिएट करने वाले हैं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही कमाल का और इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप इसे अंत तक जरूर देखें और ऐसे बेहतरीन स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दीजिए। डीजे अजय KND अपना छुपाऊंगा, सबको बताऊंगा, तुझको कसम से मैं अपना बनाऊंगा, तू है सनम मेरा। तो दोस्तों अगर आपको प्रीव्यू वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए। अगर आपको प्रीव्यू वाला स्टेटस डाउनलोड करना है तो इसको मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये स्टेटस बनने के लिए जो सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट लगेगा, सेकिपेक प्रीसेट लिंक लगेगी या जो भी मटेरियल लगने वाले हैं वो सभी आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएंगे। आपको क्रोम ब्राउजर में जाकर www.technoj.in सर्च कर लेना है या फिर मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है उस लिंक पे क्लिक करने पर आपके सामने हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट पर जाने के बाद आज खड़ो का थंबनेल देख लीजिए, थंबनेल पे क्लिक करने पर इस वीडियो की पोस्ट ओपन हो जाएगी। उस पोस्ट में आपको सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट, सेकिपेक प्रीसेट और ऑल मटेरियल्स मिल जाएंगे। आप सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट और सेकिपेक प्रीसेट को अलाइट मोशन एप्लीकेशन में इंपोर्ट करके रखिए और ऑल मटेरियल्स को डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों आपको सबसे पहले इंपोर्ट किए हुए सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना होगा। इसमें हमारा मेरा दिल तेरा आशिक ये वाला गाना है और जहां पर भी बीट चेंज होते हैं पर हमने ऑलरेडी बिटमार्क ऐड कर दिए है। दोस्तों इसमें कुल 52 बिट्स है, तो इसके लिए हमें 52 इमेजेस को ही ऐड करना होगा। दोस्तों इमेजेस ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले वाले बिट मार्क पर आ जाना है जो कि 7.11 सेकंड पर। वहां पर आने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, इमेज एंड व्यू में जाना है और जैसे कि मैंने आपको स्टेटस के शुरुआत में ही बताया था कि आज खड़े में हम रश्मिका मंदाना के इमेजेस यूज करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप दूसरे एक्टर के करना चाहते तो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको रश्मिका मंदाना के HD क्वालिटी इमेजेस चाहिए तो इनको मैं ऑल मटेरियल्स में जिप फाइल के द्वारा दे दूंगा, सिर्फ आपको जिप फाइल को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है। सभी इमेजेस आपके एक क्लिक में अपने मोबाइल में सेव हो जाएंगे। और दोस्तों आपको अपने मोबाइल से 4K फुल HD इमेजेस क्रिएट करने हैं तो इसके ऊपर मैंने पहले से एक ट्यूटोरियल बना रखा है, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस वीडियो को देखकर आप अपने मोबाइल से 4K फुल HD इमेजेस क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों आपको इमेज को सिलेक्ट करके ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे फुल स्क्रीन पे इनेबल कर देना है। इस वाले बटन पे क्लिक करके एग्जैक्ट नेक्स्ट बिट मार्क पर जाना है और इसका आगे वाला एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर दीजिए। दोस्तों इस तरह से आपको आगे के जितने भी बिट है एंड तक उनमें सभी में इसको ऐड करना होगा। दोस्तों मैं सभी में इसको ऐड करके आपको आगे का प्रोसेस समझा देता हूं, तब तक के लिए वीडियो स्किप कर देता हूं। A few moments later तो दोस्तों मैंने सॉन्ग के अंत तक सभी इमेजेस को वन बाय वन ऐड कर दिया है। आपको भी कुछ इस तरह से सभी इमेजेस को ऐड करना होगा। इमेजेस ऐड करने के बाद अब हमें इन इमेजेस में इफेक्ट्स लगा देने हैं। तो दोस्तों मैंने जो आपको सेकिपेक प्रीसेट प्रोवाइड की है उसको ओपन कर लीजिए। सेकिपेक प्रीसेट में दोस्तों बहुत ज्यादा इमेज है, 5 इमेज है, 5 अलग अलग इफेक्ट्स है दोस्तों, इसलिए आपको वीडियो को काफी ध्यान से देखना होगा। मैं आपको जो इमेजेस का टाइमिंग बताऊंगा या इमेजेस का जो सीरियल नंबर बताऊंगा उन इमेज पर बताया हुआ इफेक्ट पेस्ट कर देना है। दोस्तों वीडियो को काफी ध्यान से देखें। दोस्तों आपको सबसे पहले वाले इमेज पे क्लिक करना है, इफेक्ट्स में जाकर थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट्स कर दीजिए। इन इफेक्ट्स को कॉपी करने के बाद सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए। दोस्तों इमेजेस ज्यादा है, इफेक्ट्स भी हम ज्यादा ऐड करने वाले हैं, तो दोस्तों अलाइट मोशन एप्लीकेशन हमारा थोड़ा सा स्लो चलेगा। दोस्तों डरने वाली बात नहीं, सिर्फ आपको बताए हुए इमेज पर बताया हुआ इफेक्ट पेस्ट कर देना होगा। दोस्तों पहला इफेक्ट हमें पहले इमेज से लेकर जो आपको मैं टाइमिंग बताऊंगा उन इमेज पर ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। दोस्तों आपको पहले इमेज के इफेक्ट्स में जाकर इस वाले इफेक्ट को पेस्ट करने के बाद ये वाला इफेक्ट आपको 15.14 सेकंड यानी कि शुरुआत के जो 7 इमेज है, स्टार्टिंग वाले हमारे 7 इमेज, उन 7 इमेज में पहले इमेज से लेकर 15.14 सेकंड के बीच में जो 7 इमेजेस है पहली, उन 7 इमेज में आपको ये वाला पहला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। दोस्तों पहला वाला इफेक्ट इन 7 इमेज में पेस्ट करने के बाद हमारे पहले इफेक्ट का काम यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद आपको सेकंड प्रीसेट को ओपन करना होगा और दूसरे इमेज के इफेक्ट्स को अब कॉपी कर लीजिए। दूसरे इफेक्ट्स को कॉपी करने के बाद सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए और दोस्तों आपको सीधा चला जाना है 15.14 सेकंड पर, जहां तक हमने पहला वाला इफेक्ट पेस्ट किया था। उसके बाद दोस्तों आपको 15.14 सेकंड के आगे जो 3 इमेजेस होगी लगातार 15.14, 15.22 और 16.04 सेकंड, इन 3 इमेज पर आपको लगातार ए वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। दोस्तों ए वाला इफेक्ट
इन तीन इमेज पे पेस्ट करने के बाद आपको सीधा चला जाना है इसी इफेक्ट को पेस्ट करने के लिए 31.16 सेकंड पर। दोस्तों आपको 31.16 सेकंड पर आने के बाद जो लगातार दो इमेजेस होगी 31.16 और 31.29 सेकंड, इन दो इमेज पे आपको ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। दोस्तों कुल पांच इमेज में हमें दूसरा इफेक्ट पेस्ट कर देना है। ये वाला दूसरा इफेक्ट पेस्ट करने के बाद हमारे दूसरे इफेक्ट का भी काम हो चुका है। उसके बाद आपको सेकंड पेपर सेट को ओपन करना है और अब तीसरे इमेज के इफेक्ट्स को कॉपी कर लीजिए। दोस्तों तीसरे और चौथे इमेज के इफेक्ट्स को आपको जो मैं एक साथ यानी कि कंबाइन उसको ऐड करना है, तो इसके लिए आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। दोस्तों आपको क्या करना है, तीसरे इमेज के इफेक्ट्स को कॉपी करने के बाद सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए और सबसे पहले तो आपको 17.03 सेकंड पर यानी कि हमने पहला और दूसरा इफेक्ट जहाँ तक ऐड किया था वहाँ तक जाना है, यानी कि 17.03 सेकंड तक। 17.03 सेकंड पर आने के बाद दोस्तों जो इमेज होगी उस पर क्लिक करना है, इफेक्ट्स में जाकर थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आगे वाले यानी कि लगातार दो इमेज पर आपको ये वाला तीसरा इफेक्ट पेस्ट कर देना है। उसके बाद जो तीसरी इमेजेस होगी दोस्तों उसको छोड़ देना है और उसके आगे वाले लगातार दो इमेज पर आपको ये वाला तीसरा इफेक्ट पेस्ट कर देना है। उसके बाद वाली तीसरी इमेज को छोड़ के ये वाला इफेक्ट आपको फिर से एक बार दो इमेज पर लगा देना है। इस तरह से दोस्तों ये वाला प्रोसेस आपको 29.28 सेकंड तक कर देना है। दोस्तों 29.28 सेकंड तक ये वाला प्रोसेस यानी कि देखिए यहाँ तक 29.28 सेकंड तक ये प्रोसेस कर देना, यानी कि तीसरे इफेक्ट्स को आपको दो इमेज पे लगा देने के बाद चौथे तीसरे इमेज को छोड़ के फिर से एक बार आगे वाले दो इमेज पे तीसरा इफेक्ट लगा देना है। तो दोस्तों वो हमने जो तीसरी इमेज छोड़ी थी उस पर हमें चौथा वाला इफेक्ट लगा देना है। तो दोस्तों मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों ये वाले प्रोसेस आपको 29.28 सेकंड तक कर देने हैं, उसके बाद सीधा चले जाना है आपको 33.16 सेकंड पर। तो 33.16 सेकंड पर आने के बाद फिर से एक बार आपको यही प्रोसेस कर देना है, दो इमेज पे वाला इफेक्ट लगा देने के बाद फिर से एक बार आपको तीसरे इमेज को छोड़ देना है, तो आपको मैं तीसरे इमेज पर चौथा इफेक्ट लगा। दोस्तों ये प्रोसेस आपको 33.16 से लेकर एंड तक कर देने, जहाँ तक हमारा स्टेटस एंड होगा वहाँ तक कर देने हैं। उसके बाद दोस्तों आपको सेकंड इफेक्ट प्रीसेट को ओपन कर लेना है और अब आपको चौथे इमेज के इफेक्ट्स को कॉपी कर लेना है। चौथे इमेज के इफेक्ट्स को कॉपी करने के बाद सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए और दोस्तों हमने 17.03 सेकंड से जो दो इमेज पर इफेक्ट लगा देने के बाद तीसरी इमेज छोड़ी थी उस तीसरे इमेज को आपको यानी कि ये देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्टिंग आपको 17.26 से करने है, जो यहाँ पे तीसरी इमेज होगी उस तीसरे इमेज में आपको ये वाला इफेक्ट चौथा इफेक्ट पेस्ट कर देना है। ये प्रोसेस आपको 29.28 सेकंड तक जो हमने तीसरी इमेज छोड़ी थी हर तीसरी इमेज उस पर ए वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको 33.16 सेकंड से भी आगे ए वाला प्रोसेस फिर से एक बार कंटिन्यू करना है। सिर्फ आपको 29.28 से लेकर 33.16 तक की जितनी इमेजेस है उनको छोड़ देके आगे चौथे जो हमारा चौथा इफेक्ट है वो तीसरे इमेज में आपको पेस्ट कर देना है। दोस्तों ये वाला इफेक्ट पेस्ट करने के बाद आपको फिर से एक बार सेकंड इफेक्ट प्रीसेट को ओपन कर लेना है। दोस्तों अब हमारा सिर्फ पांचवा इफेक्ट यहाँ पर लगाना रह चुका है। दोस्तों आपको पांचवे इमेज के इफेक्ट्स को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए और आपको जो हमने मिडल में 29.28 से लेकर 33.16 सेकंड के बीच में जो इमेजेस छोड़ी थी दोस्तों चार इमेजेस, उन चारों इमेज पे आपको ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। 29.28 सेकंड पर आ जाना है दोस्तों, 31.16 सेकंड तक दोस्तों आपको ये प्रोसेस कर देना है। 33.16 सेकंड नहीं दोस्तों, 31.16 सेकंड पर 29.28 से लेकर, तो दोस्तों 29.28 से लेकर 31.16 सेकंड के बीच में जो चार इमेजेस होगी दोस्तों उन चारों इमेज में आपको ये वाला पांचवा इफेक्ट पेस्ट कर देना है। दो चार इमेज पर ए वाला पांचों इफेक्ट पेस्ट करने के बाद हमारे सभी इमेज में सभी इफेक्ट पेस्ट हो जाएंगे। दोस्तों हमारा यहाँ पर स्टेटस 50% तो हो चुका है। अब हमें और इफेक्ट और इमोजी पेंज को ऐड कर लेना है। इसके लिए आपको स्टार्टिंग में आना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, इमेज एंड व्यू में जाना है, व्यू ऑल में जाकर मैंने जो आपको और इफेक्ट प्रोवाइड किया है उसको ऐड कर लीजिए। दोस्तों और इफेक्ट और इमोजी पेंज दोनों भी आपको ऑल मेडल्स में मिल जाएंगे, आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ओवरले इफेक्ट को ऐड करने के बाद आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे फुल स्क्रीन पे इनेबल कर देना है। इस वाले बटन पे क्लिक करके पहले वाले बिट मार्क पर जाकर इसका आगे वाला एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर दीजिए। ये करने के बाद आपको स्टार्टिंग में आना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, इमेज एंड व्यू में जाना है और ओवरले इफेक्ट को इमोजी पेंज को आपको ऐड करना होगा। दोस्तों इमोजी पेंज आप कौन सा भी ऐड कर सकते हैं, मैं इस वाले इमोजी पेंज को ऐड करता हूं। उसको ऐड करने के बाद मोबाइल ट्रांसफॉर्म में जाकर इसको आपको तीन नंबर वाले जो रिसाइज वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करके इसकी साइज को कम कर देना है, करीब करीब 700 पिक्सल तक कर दीजिए। दोस्तों करने के बाद आपको इसको पहले वाले बिट मार्क तक एक्सटेंड कर देना होगा। दोस्तों करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर स्टेटस बनकर रेडी हो चुका है। आपको सिर्फ अपना यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जो लोगों को ऐड करना है उसको ऐड करके एंड तक एक्सटेंड कर दीजिए। दोस्तों अब हमें वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के लिए सेटिंग के बगल में शेयर वाला आइकन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। वीडियो में जाना है, वीडियो का एक्सपोर्ट रेजोल्यूशन 1080 पिक्सल सेलेक्ट कर दीजिए। अगर आपके मोबाइल में सपोर्ट नहीं करेगा दोस्तों आप 720 पिक्सल वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर 720 पिक्सल में भी नहीं होगा तो दोस्तों आप लेटेस्ट वाला अलर्ट मोशन एप्लीकेशन हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए। दोस्तों मिलता हूं एक और ऐसे बेहतरीन स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए एडिटिंग करते रहो, अपने भाई को मत भूल जाना। जय हिंद।